बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड कर पाना आज हर एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिखने में कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो गिरते जा रहा है। फिर चाहे वो एक दिन की बात हो, एक हफ्ते की बात हो, एक महीने की बात हो, एक साल, पाँच साल, या अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो आज से 10 साल पहले के कंपैरिजन में भी शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं। और करंटली इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से गिर चुका है और इसी के साथ साथ बहुत सारे मल्टीबैगर कंपनीज के जो शेयर हैं वो भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स को लेकर आपको क्या करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज के जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को थरली स्टडी करेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे और यहाँ पर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में हर एक स्टेप पर बताऊंगा कि कौन कौन से रीज़न है इन्वेस्टमेंट्स करने के और अगर कोई रीज़न नहीं है इन्वेस्टमेंट्स करने का तो वो क्या है। तो आज के इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को मिस आउट मत करना और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बजाज कंज्यूमर केयर की जो प्राइस है वो 146 रुपीज़ के आसपास चल रही है और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कंपनी के रिटर्न को कि एक दिन में भी इस कंपनी ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो एक हफ्ते में इस कंपनी ने 3.89% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, वहीं पर एक महीने में इस कंपनी ने 15.59% के रिटर्न दिए हैं नेगेटिव में, और इसी के साथ साथ अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में 47% के नेगेटिव रिटर्न है, और अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो 10 साल तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको यहाँ पर लॉस हो सकता था 3.16% का। अगर मैं पिछले 4 या 5 साल की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस जो हैं वो नीचे गिरते जा रही हैं। जैसे कि आप लोगों ने ग्राफ में ऑब्जर्व किया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की प्राइस में बूम आया था, लेकिन फिर कंपनी के शेयर्स की प्राइस नीचे गिरते गए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं तो कंपनी के शेयर्स गिर क्यों रहे हैं, जानने के लिए सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को। बजाज कंज्यूमर केयर बजाज कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की एक्टिविटीज करती है। बेसिकली ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट और इसी के साथ साथ टॉयलेटरीज को भी मैन्युफैक्चर करती है, और सबसे खास बात कंपनी प्रोड्यूस करती है कॉस्मेटिक्स की आइटम। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो बजाज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बजाज आंवला, बजाज हेयर एंड केयर और इसी के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। और अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ, और कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 2019 से लेकर 2021 में काफी पॉजिटिव है। कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया था, लेकिन कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकवर कर रही है और इसी के साथ साथ कंपनी की नेट इनकम भी सिमिलर तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो 2021 और 2022 के कंपैरिजन में कंपनी की जो नेट इनकम है वो थोड़ी सी कम है, और इसी के साथ साथ अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, कम ज़्यादा होते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप इनकम स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है हर साल। अगर आप इस डेटा को देखेंगे 2013 से भी तो कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्टेडी है और कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया है। लेकिन यहाँ पर 3 की रीजंस हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ की। अगर मैं इंडस्ट्रीज के मुकाबले कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रीज से काफी कम है। बजाज कंज्यूमर केयर की रेवेन्यू की ग्रोथ है 2.91%, जहाँ पर इस इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ है 5.91% के आसपास। अगर मैं इस ग्रोथ को किसी दूसरी इंडस्ट्री की कंपनी के साथ कंपेयर करूँ फिर भी ये काफी कम है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो कम होते जा रहा है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 2.40% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो गया है 2.12% का। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर कम होता है तो इसका इम्पैक्ट उस कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ता है, उस कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ता है, और इसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर्स की प्राइस पर भी पड़ता है। और इसी के साथ साथ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। इंडस्ट्रीज की नेट इनकम जो है वो है 9% की, लेकिन अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो बजाज कंज्यूमर केयर का जो इनकम है, नेट इनकम है, वो है 2% के आसपास का। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका नेट इनकम कम है तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस उतनी ग्रो नहीं करेगी या उस कंपनी के शेयर्स आपको नेगेटिव रिटर्न देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ। जैसे कि आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि बजाज कंज्यूमर केयर के करंट असेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं 2018 से लेकर 2021 तक, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और इसी के साथ साथ अगर मैं नॉन करंट असेट्स की बात करूँ तो नॉन करंट असेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कंपनी के करंट लाइबिलिटीज की और कंपनी की लाइबिलिटीज की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई हैं 2020 तक,
लेकिन अगर मैं 2021 की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसी के साथ साथ कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी स्टेबल हैं। कंपनी के पास टोटल 14.75 करोड़ शेयर्स हैं और इन शेयर्स को किस किसने कितना होल्ड किया है ये हम लोग देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग में। बजाज कंज्यूमर केयर का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। और इसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर मैं कंपनी के करंट रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर कंपनी का करंट रेशियो ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को आसानी से हैंडल कर सकती है और इसी के साथ साथ कंपनी अपने ऑपरेशंस को भी स्टेबली कंट्रोल कर सकती है। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल्स में हम लोग बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की। जैसे कि आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, फिर चाहे वो नेट चेंज इन कैश हो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो। और अगर मैं कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करूँ तो कंपनी हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करती है जो कि कंपनी के डेवलपमेंट में ही काम आता है। और इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव फिगर्स हैं। फ्री कैश फ्लो के पॉजिटिव फिगर्स के होने का मतलब यह है कि कंपनी काफी ज्यादा एफिशिएंट है, कंपनी ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैश को रिजर्व रखा है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर कंपनी के शेयर्स में इतना ज्यादा डाउनफॉल कैसे आया। और इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग कंपनी का पीयर कंपैरिजन करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के पीई रेशियो की। अगर मैं बजाज कंज्यूमर केयर के पीई रेशियो की बात करूं तो इंडस्ट्रीज के मुकाबले इस कंपनी का पीई रेशियो काफी कम है, क्योंकि बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है तो यहाँ पर पीई रेशियो का कम होना तो ऑब्वियस बात है। और इसी के साथ साथ कंपनी का पीवी रेशियो भी काफी कम है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं वोलेटिलिटी की। अगर आप कंपनी के वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है, बेचना है या सेल करना है। तो इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो इस वोलेटिलिटी के पीछे का सबसे मेन रीजन है फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग। जब कोई भी इन्वेस्टर पैनिक करने लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो जिसके पास शेयर पड़े होते हैं वो बेच देता है और जिसके पास शेयर नहीं होते हैं वो परचेज कर लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या हेज कर लेता है। और जैसे कि बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने 38% स्टेक को होल्ड किया है, म्यूचुअल फंड में 12.59% के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो उन्होंने 17% का स्टेक होल्ड किया है, रिटेल इन्वेस्टर के पास 31.79% का स्टेक है। बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करता है तो उसमें कुछ खास बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो अब हम आते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि क्या बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का ये सही टाइम है। एक तरफ स्टॉक मार्केट काफी तेजी से गिरते जा रहे हैं और दूसरी तरफ बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर जो हैं वो पिछले 10 साल या 15 साल से भी गिरते जा रहे हैं। तो मेरा सजेशन यहाँ पर आपके लिए यही है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप में कैपेसिटी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो 5 ईयर के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना है। क्योंकि बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स में इतने ज़्यादा मैसिव रिटर्न और इतनी ज़्यादा रिकवरी देखने के चांसेस थोड़े बहुत कम हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। अगर कंपनी के इनसाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर इनसाइट्स को कंपेयर करने जैसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने सिर्फ अट्रैक्टिव डिविडेंड दिया है और कंपनी के शेयर्स के प्राइस अपने ऑल टाइम लो पर हैं। तो सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर के बेसिस पर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको हर एक फैक्टर के बारे में बताया है, उसी हिसाब से आपको हर एक फैक्टर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि आपको फिलहाल इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि इससे अच्छा होगा कि आप एक FD कर लो, क्योंकि FD में आपको डेफिनेट रिटर्न तो मिलेंगे।